वितरण देने का एमओयू प्रावधान किया गया था। इससे ज्यादा खबर पाली से है, जहां जिले के हेमावास और जोधपुर जिले के तिमरी में केंद्रीय विद्यालय की मंजूरी भी मिल चुकी है। जहां केंद्रीय एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने केंद्रीय राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद पीपी चौधरी को एक पत्र लिखा और इस मंजूरी की जानकारी दी। चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इलाके के लोगों को बताया तो खुशी की लहर दौड़ गई। जहां यहां लोगों ने पीपी चौधरी को बधाई भी दी और उनका आभार जताया। गवर्नमेंट स्कूल का जो ये आइडिया था, जो ये सैंक्शन हुआ है पाली को, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, पाली लोकसभा क्षेत्र में एक तो पाली जिले के लिए जो कि पाली के पास ही एक सेंट्रल स्कूल जो है वो सैंक्शन हुआ है, और दूसरा पाली लोकसभा क्षेत्र में ओसिया विधानसभा क्षेत्र में तिवरी में करवाया गया है। तो ये दो केंद्रीय विद्यालय हम मेरे लोकसभा क्षेत्र में हुए, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि केंद्रीय विद्यालय जो है पूरे देश में 708 डिस्ट्रिक्ट हैं, और उसमें पाली को चूज किया गया जिसमें मुझे दो केंद्रीय विद्यालय मिले। जरूर इसके लिए मुझे लगातार पिछले करीब दो साल से मैं प्रयास कर रहा हूं, जब से मैं सांसद बना हूं तब तक लगातार इसके पीछे लगा हुआ हूं। और दोनों जो केंद्रीय विद्यालय मिले हैं करीब 25-25 करोड़ के होंगे, 50 करोड़ गवर्नमेंट के खर्च होंगे। और शिक्षा का, जहां तक पाली में शिक्षा की बात है, पाली लोकसभा क्षेत्र में पिछड़ा हुआ इलाका है, उस वजह से केंद्रीय विद्यालय की बहुत जरूरत थी, क्वालिटी शिक्षा की जरूरत थी। अब ये क्वालिटी शिक्षा हमारे जो है बच्चों को, हमारे युवाओं को वहां मिल पाएगी। तो क्वालिटी शिक्षा तो